नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट मसाला और मैं हूँ श्रुति। पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत में इस कहर को कम करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। एक तरफ जहां सरकार द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अलग अलग मुहिम चल रही है, वहीं बॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में अब कोरोना के खिलाफ मैदान में शाहरुख खान उतर चुके हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। अब इस कड़ी में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का नाम भी जुड़ चुका है। शाहरुख खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद की घोषणा की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लंबा चौड़ा नोट साझा किया, जिसमें उन्होंने सरकार के खाते में आर्थिक मदद प्रदान करने का फैसला लिया है। शाहरुख खान की ओर से साझा किए गए नोट के अनुसार, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बनाए गए पीएम केयर फंड, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट देने, एक महीने तक मुंबई के 5,500 परिवार को खाना देने और ज़रूरत का सामान देने और मजदूरों और खाना मुहैया करवाने की घोषणा की फैसला किया है। इतना ही नहीं, शाहरुख खान ने अपने नोट में कहा है कि वह कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता भी फैलाएंगे। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का ये ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। तमाम सोशल मीडिया यूज़र्स और उनके फैंस शाहरुख खान के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब बात यह है कि बॉलीवुड के सिवाय कोरोना वायरस की मार झेल रहे लोगों और मजदूरों के लिए काफ़ी हॉलीवुड स्टार्स भी आगे आए हैं। बता दें कि अब तक पीएम मोदी के केयर फंड में कपिल शर्मा, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अनुपम खेर, वरुण धवन, सारा अली खान, करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, लता मंगेशकर और कैटरीना कैफ सहित कई बड़े सितारे सहायता राशि दे चुके हैं। इनमें से कुछ सितारों ने गुप्तदान किया है। इसके साथ अभिनेता सलमान खान ने भी 25,000 दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं। आप भी पीएम रिलीफ फंड या पीएम केयर्स फंड में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें और कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की मदद करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।